एसीबी की बड़ी कार्यवाही, डीटीओ कार्यालय का बाबू व उसका दलाल रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। धौलपुर की प्रमुख खबर। एसीबी मुख्यालय जयपुर के निर्देश पर एसीबी करौली की टीम द्वारा सोमवार को परिवहन कार्यालय धौलपुर में कार्यवाही की गई, जिसमें अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी पवन श्रीवास्तव एवं दलाल पवन चंसौरिया को परिवादी से 3,300 रुपये की रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। एसीबी की करौली टीम ने बताया कि परिवादी द्वारा शिकायत दी गई थी कि उसके ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन करने के एवज में डीटीओ कार्यालय धौलपुर के अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी पवन श्रीवास्तव द्वारा 3,000 रुपये रिश्वत की मांग कर परेशान किया जा रहा है, जिस पर एसीबी की करौली इकाई के पुलिस निरीक्षक जगदीश भारद्वाज के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उनके द्वारा में टीम के डीटीओ कार्यालय धौलपुर में छापामार कार्यवाही की गई, जिसमें आरोपी पवन श्रीवास्तव एवं उनके दलाल पवन चंसौरिया को परिवादी से 3,300 रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। आरोपी पवन श्रीवास्तव द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि 3,300 रुपये एक अन्य प्राइवेट व्यक्ति अनूप को दिलवाई। वह एसीबी कार्यवाही की फनक लगने पर मौके से रिश्वत की राशि लेकर फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। दिनांक 4/9/2024 को ऋषिराज शर्मा निवासी धौलपुर ने ब्यूरो मुख्यालय जयपुर 1064 पर सूचना दी कि मैंने एक ट्रैक्टर यूपी से खरीदा था, जिसके कागजात तैयार कराने के एवज में डीटीओ ऑफिस धौलपुर में श्री पवन श्रीवास्तव बाबूजी एवं पवन चंसौरिया जी रिश्वत की मांग कर रहे। 3,000 रुपये पवन श्रीवास्तव जी और 300 रुपये असाइनमेंट नंबर देने के पवन चंसौरिया मेरे से मांग रहे हैं। इस पर मेरे द्वारा पवन चंसौरिया एवं पवन श्रीवास्तव के बारे में इससे ऋषिराज से बात की गई, तो ऋषिराज ने आकर ब्यूरो चौकी करौली पर एक तहरीर रिपोर्ट इन दोनों के खिलाफ मेरे समक्ष पेश की। इसके एवज में मेरे द्वारा सत्यापन कराया गया और आज हमारे द्वारा कार्रवाई की गई। 3,000 रुपये पवन श्रीवास्तव और 300 रुपये पवन चंसौरिया द्वारा लिए गए, जिनमें उस पैसे को अनूप अग्रवाल को इन्होंने दे दिया और वो लेके भाग गया, क्योंकि यहाँ काफी भीड़ थी। पंचायत समिति सदस्य ने कांग्रेस छोड़, थामा भाजपा का दामन। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। पंचायत समिति अंतर्गत ग्राम पंचायत बशेंखिया राम निवासी सोनू परिहार पंचायत समिति सदस्य ने अपने समर्थकों सहित कांग्रेस की सदस्यता का परित्याग कर भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। सोनू परिहार ने बताया कि उन्होंने कांग्रेस के स्थानीय नेतृत्व की दमनकारी नीतियों से त्रस्त होकर एवं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की जन कल्याणकारी नीतियों से प्रभावित होकर भाजपा नेत्री नीरजा अशोक शर्मा के फामतीपुरा रोड स्थित कार्यालय पहुंचकर करीब दर्जन भर समर्थकों के साथ भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। इस दौरान भाजपा नेत्री नीरजा अशोक शर्मा, राम वकील परिहार, सोनू ठाकुर, वसंखिया राम, जगराम निषाद, हरेंद्र ठाकुर आदि उपस्थित रहे। राजाखेड़ा से बुद्ध सिंह उदयनिया की रिपोर्ट। मैं सोनू परिहार पंचायत समिति सदस्य बसईघियाराम राजाखेड़ा पंचायत समिति कांग्रेस की दमनकारी नीतियों से त्रस्त होकर कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा देता हूं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी और नीरजा शर्मा जी की कार्यशैली की प्रभावित होकर उनके साथ भाजपा की सदस्यता ग्रहण करता हूँ। भागते बदमाशों का मनिया पुलिस ने पीछा किया, क्रेटा कार जब्त, बदमाश फरार। मनिया की प्रमुख खबर। रामकिशोर शर्मा महुरी वालों ने बताया कि आज सुबह मनिया थाना पुलिस बदमाशों की कार का पीछा करते हुए चुन्ना कापुरा एवं शीशेन कापुरा के बीच स्थित बाबू महाराज के मंदिर पर पहुंचे, जहां भागते हुए बदमाशों की कार का अगला टायर फट गया। बदमाश कार को वहीं छोड़कर बाजरे के खेत में भाग गए तथा पुलिस की पकड़ से दूर निकल गए। बाद घटना स्थल से मनिया पुलिस ने बदमाशों की क्रेटा कार नंबर RJ11 8503 को जब्त कर लिया,
घटना के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्रित हो गए। बालिकाओं में आत्मविश्वास पैदा करने को मीना एवं गार्गी मंच का हुआ गठन। सिमरन बनी पावर एंजल। सरमथरा की प्रमुख खबर। बालिका सशक्तिकरण के उद्देश्य से राज्य सरकार के निर्देशों की अनुपालना में स्थानीय पीएम श्री बालिका विद्यालय सरमथरा में आज 24 सितंबर को मीना मंच का गठन किया गया। इस अवसर पर काल्पनिक बालिका मीना का जन्मदिवस भी मनाया गया। विद्यालय में मीना एवं गार्गी मंच का गठन करना बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति सशक्त करना है। किशोरियों को स्वास्थ्य संबंधित जानकारी, माहवारी प्रबंधन एवं विभिन्न बाल अधिकारों से अवगत कराते हुए उनमें अपनी बात को निडरता के साथ रखने के गुण का विकास किया जाता है। विद्यालय में आज मीना मंच का गठन हुआ, जिसमें सर्वसम्मति से दामिनी मौर्य गार्गी मंच की अध्यक्ष एवं जुबरा खान मीना मंच की अध्यक्ष चुनी गई। ममता देवी एवं मंजू मीना ने सुगमाकर्ता के रूप में बालिकाओं को विविध बाल संरक्षण कानूनों से परिचय कराया। साथ ही वाद विवाद आश्वासन प्रतियोगिता का भी आयोजन कराया गया। इस अवसर पर वीना मीना, राज रानी एवं राजू सेन उपस्थित रहे। सरमथुरा से बीबीएन ब्यूरो के लिए राजेश कुशवाहा की रिपोर्ट। बालिका विद्यालय सरमथुरा में आज मीना जन्मदिवस मनाया गया, जो आज मीना मंच का गठन भी किया गया, जिसमें कक्षा 8 की छात्रा जुबरा को अध्यक्ष चुना गया और 9 से 12 के गार्गी मंच में छात्रा दामिनी मौर्य को अध्यक्ष चुना गया और पूरे विद्यालय की जो एंजल पावर है वो सिमरन खान को चुना गया। सिमरन खान जो एंजल पावर है, एंजल पावर के पास स्पेशल पुलिस ऑफिसर की तरह जो ट्रीट करती है। आज व्याख्याता ममता देवी जो सुगमकर्ता के रूप में कार्य कर रही है, उन्होंने छात्राओं को उनके अधिकारों के बारे में, बाल अधिकारों के बारे में, किशोर किशोरी सशक्तिकरण के बारे में, माहवारी प्रबंधन के बारे में और विभिन्न प्रकार के जो एक्ट हैं उनके बारे में जानकारी दी। मंजू देवी जो पुस्तकालय अध्यक्ष है, उन्होंने प्रखर राजस्थान के संदर्भ में छात्राओं को जानकारी दी। इसी अवसर पर मीना और राजरानी जी जो ब्यूटिशियन है इस विद्यालय में, उन्होंने छात्राओं को उनकी विविध जो कानून है, जो अधिकार है, उनके बारे में जानकारी दी और सभी छात्राओं ने धूमधाम से आज मीना का जन्मदिवस मनाया। 10,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। बाड़ी की प्रमुख खबर। 20 नवंबर 2022 को इनामी बदमाश भोटा उर्फ राम गोपाल को पुलिस गिरफ्तारी से बचाने हेतु पुलिस टीम पर किए गए हमले का मुख्य आरोपी वल्लच मल्लाह पुत्र गजाधर निवासी पार्वती पोखर के पास रामपुर थाना रामपुर जिला मुरैना MP को जो घटना के समय से फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी पर जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर द्वारा 10,000 की इनाम राशि भी घोषित की गई थी, जिसे कल कांस्टेबल अशोक कुमार DST धौलपुर की सूचना पर संपत का अड्डा पटेवरी के पास से दस्तयाब कर पूछताछ के उपरांत गिरफ्तार किया गया है। DSP तपेंद्र मीणा ने बताया कि इनामी बदमाश को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में बाड़ी सदर थाना प्रभारी विनोद कुमार के साथ शुगर सिंह कांस्टेबल थाना सदर बाड़ी, अशोक कुमार कांस्टेबल DST धौलपुर की मुख्य भूमिका रही। वीर सिंह, भरत राम, पवन कुमार, घनश्याम, ब्रजेश एवं पुरुषोत्तम कांस्टेबल DST टीम धौलपुर शामिल रहे। बसेड़ी महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना दिवस मनाया। बसेड़ी की प्रमुख खबर। राजकीय महाविद्यालय बसेड़ी में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक एकत्रीकरण एवं निस्तारण तथा राष्ट्रीय सेवा योजना दिवस कार्यक्रम का किया गया आयोजन। महाविद्यालय में कार्यक्रम का शुभारंभ माँ शारदे के समक्ष दीप प्रज्वलित कर अतिथियों द्वारा किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अमजद फातमी ने स्वयंसेवकों को स्वच्छता के माध्यम से राष्ट्रीय सेवा एवं राष्ट्र निर्माण में भागीदारी करने के लिए प्रेरित किया एवं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ओमकार कटारा, जिला महामंत्री BJP धौलपुर के द्वारा स्वयंसेवकों को स्वच्छता का संदेश दिया गया। इस दौरान NSS अधिकारी प्रदीप कुमार शर्मा ने राष्ट्रीय सेवा योजना के इतिहास, उद्देश्य एवं गतिविधियों का विस्तार से वर्णन किया। इसके उपरांत पवन कुमार प्रजापत,
अरिदमन सिंह, सहायक आचार्य, समस्त कार्मिकों एवं स्वयंसेवकों द्वारा महाविद्यालय परिसर के बाहर एवं गाड़ियां लोहार बस्ती कोटरा में जाकर सिंगल यूज प्लास्टिक का एकत्रीकरण किया गया एवं एकत्रित सिंगल यूज प्लास्टिक के बोरों को नगरपालिका बसेड़ी के वाहन द्वारा कचरा निस्तारण स्थान पर भेजा गया। बसेड़ी से VVN ब्यूरो के लिए निशांत पाराशर की रिपोर्ट। ये रोड पे दिख रही है सर, बदमाशों द्वारा गोली मारने की घटना को मृतक के पिता ने बताया आत्महत्या। कंचनपुर की प्रमुख खबर। संपूर्ण क्षेत्र में आज जबरदस्त चर्चा का विषय चल रही थी कि पशुओं को चारा डालने गए युवक को बदमाशों द्वारा गोली मार दी है। इस तरह की चर्चाएं लगातार आज दिन भर आम लोगों में चलती रही, लेकिन घटना कुछ और ही थी, जिसे लेकर कंचनपुर थाना प्रभारी शैतान सिंह ने बताया कि मृतक के पिता ने थाने में रिपोर्ट दी है कि उसके बेटे बालवीर ने अपने कमरे में स्वयं को गोली मारकर आत्महत्या की है। मामले को लेकर कंचनपुर थाना प्रभारी ने बयान देकर घटना का स्पष्टीकरण दिया है। हाँ सर, ये क्या बात हुई है आज? कल दिनांक 23/9/2024 को समय करीब 9:45 बजे करीब सूचना मिली थी कि मठ नौरा गाँव में एक व्यक्ति को गोली लगी, जिस पर वहाँ से थाने से रमे जाप्ते के रवाना होकर हम मठ नौरा आए। मौके पर देखा तो परवाड़ जन बॉडी को पहाड़ी अस्पताल ले गए थे। यहाँ आस पास थोड़ी जानकारी की तो कल से ही मामला संदिग्ध था। मृतक की मौत संदिग्ध अवस्था में हुई। आज मृतक के पिताजी ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि मेरे लड़के बलवीर ने अपने कमरे में गोली मारकर आत्महत्या कर ली, जिस पर मर्ग दर्ज कर जांच की जा रही है और मृतक का पोस्टमार्टम बोर्ड से कराया जा चुका है। बॉडी परिवारजन को सपोर्ट की जा चुकी है। मौके पर एसएसपी अवैध हथियार के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार। धौलपुर की प्रमुख खबर। निहालगंज थाना प्रभारी ब्रजेंद्र सिंह ने बताया कि मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि गुरुद्वारे के पास कट्टा लेकर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है। सूचना पर पुलिस टीम को मौके पर भेजा गया, जहां एक व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा, जिसको घेराबंदी कर पकड़ लिया। नाम पता पूछा तो उसको अपना नाम नैतिक उर्फ चिंटू निवासी अशोक विहार थाना निहालगंज धौलपुर बताया, जिसके कब्जे से एक अवैध कट्टा 315 बोर एवं एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया। DSP तपेंद्र मीणा ने बताया कि अवैध हथियार के साथ आरोपी को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में निहालगंज थाना प्रभारी विजेंद्र सिंह के साथ राजकुमार हेड कांस्टेबल, भारत सिंह हेड कांस्टेबल, सौरभ हंसराम एवं रामरूप कांस्टेबल थाना निहालगंज शामिल रहे। सरमथुरा CHC पर नहीं मिल रही ऑनलाइन पर्चियाँ। एक ही काउंटर पर महिला एवं पुरुषों की भारी भीड़। सरमथुरा की प्रमुख खबर। कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर इन दिनों मरीजों की लंबी लंबी लाइन देखने को मिल रही है, जिसके चलते मरीजों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि मौसमी बीमारियों के चलते हॉस्पिटल की OPD इन दिनों 800 से पार चल रही है। ऐसे में व्यवस्थापकों की लापरवाही साफ देखने को मिल रही है। 4-5 दिन से ऑनलाइन पर्चियाँ नहीं मिल रही हैं। आपको बता दें कि हॉस्पिटल में कंप्यूटर की ऑनलाइन पर्चियाँ लगभग 5 दिन पहले ही खत्म हो गई हैं, जिसके कारण मजबूरी में ऑफलाइन पर्चियां बनाई जा रही हैं, जिससे अव्यवस्था साफ नज़र आ रही है। मरीजों को घंटों लाइन में इंतजार करना पड़ रहा है। वहीं हॉस्पिटल की IPD भी 100 से ऊपर चल रही है। मरीजों की बढ़ती भीड़ के चलते हॉस्पिटल के जनरल वार्ड पूरी तरीके से भरे हुए हैं और मरीजों की हालत को देखते हुए एक बेड पर एक से अधिक मरीजों को एडजस्ट किया जा रहा है।
सीएचसी प्रभारी डॉक्टर गोरीलाल मीणा ने बताया कि हॉस्पिटल में पर्ची काउंटर ठेके पर संचालित है। ठेकेदार का भुगतान न होने से अब ऑनलाइन पर्ची नहीं बनाई जा रही। व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए ऑफलाइन पर्ची बनाई जा रही हैं, जिससे समय ज़्यादा लगने के कारण लोगों की भीड़ लग जाती है। सरमथुरा से वीवीएन ब्यूरो के लिए राजेश कुशवाहा की रिपोर्ट। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट और शेयर करें, और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल विवियन भव्य वसुंधरा न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।